हेलो इन्वेस्टर, जनवरी मंथ का और ये साल का पहला आईपीओ AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ ये मार्केट में आने वाला है। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक इंडिया की लीडिंग ओमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। मतलब ये सभी प्लेटफॉर्म पे कंपनीज़ को पेमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड ये वन ऑफ़ द लार्जेस्ट डिप्लॉयर ऑफ POS टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल होता है। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम में इनका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर। अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस ऐसे तीन ऐसे बहुत सारे देशों में ये बिज़नेस करती है। प्राइमरी तीन बिज़नेस सेगमेंट में इनका एक बिज़नेस सेगमेंट में इनका रेवेन्यू है। एक पेमेंट सॉल्यूशन है, दूसरा बैंकिंग सॉल्यूशन है एंड तीसरा अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन। तो पेमेंट सॉल्यूशन में ATM एंड CRM आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन स्विचिंग सर्विसेज, POS मशीन सर्विसेज, मतलब जो ATM रिलेटेड एंड जो ट्रांजैक्शन, जो POS सेटअप करने का, जो काम करने का, जो काम मेजर काम रहता है ये कंपनी करती है। तो इनके पास अराउंड 14,000 के आसपास ATM है एंड 19,000 के आसपास CRM है। एंड अगर हम अदर सॉल्यूशंस की, बैंकिंग सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इनके पास अराउंड ATM सर्विस प्रोवाइड का काम करती है, CRM सर्विस प्रोवाइड का काम करती है। एंड इनके बड़े क्लाइंट हैं जैसे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। तो क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है इनका। अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन में पेट्रोलियम रिटेल एंड कलर सेगमेंट, मतलब कलर कंपनी जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन लोग को भी सिस्टम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का करने हेल्प करने के लिए AGS कंपनी अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। POS इनके पास अराउंड 17,924 रुपए के पेट्रोलियम आउटलेट्स में अपना POS लगाया है। 70,000 प्लस ATM है एंड CRM सर्विस है उनके पास। कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट कैश सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एंड कस्टमर बेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। स्ट्रॉन्ग इनहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है कंपनी के पास। कंपनी के प्रमोटर की बात करेंगे तो रवि गोयल एंड विनेहा एंटरप्राइजेस ये कंपनी के प्रमोटर है। कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो मार्च 20 में कंपनी ने 830 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था। तो मार्च 21 में 547 मिलियन का हुआ। तो यहाँ पे एक साल में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 35% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। एंड अगेन 31 अगस्त 2021 में ये ऑलमोस्ट -181 में दिखा रहा है। तो अगर ये हम मार्च 22 की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ठीक ठाक आ सकते हैं। फिलहाल अगस्त तक का ही डेटा है, उसमें माइनस में दिखाई दे रहा है, बट होपफुली ये पॉजिटिव रहेंगे जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। कंपनी का ऑब्जेक्ट लाने का इश्यू मेन यहाँ पे OFS का है। ये 100% OFS कंपनी है, मतलब प्रमोटर अपना शेयर बेच के निकलने वाले हैं। एंड स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का बेनिफिट लेने के लिए कंपनी IPO ला रही है। IPO की डिटेल की बात करेंगे तो 19 जन को IPO ओपन होगा, 21 जन को IPO क्लोज हो जाएगा। 175 IPO का कट ऑफ प्राइस है। एक लॉट में अराउंड 85 शेयर्स आएंगे एंड IPO का इशू साइज अराउंड 680 करोड़ का है, जिसमें 100% OFS है। QIB पोर्शन 50% का है, रिटेल पोर्शन 35% का है, HNI पोर्शन 15% का है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके लिए 35% का रिटेल पोर्शन रखा गया है। अलॉटमेंट डेट 27 जान की है, रिफंड डेट 28 जान की है। IPO लगता है तो 31 जान को आपको डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। फर्स्ट फेब को लिस्टिंग है। एक लॉट साइज़ अराउंड 14,875 रुपीज़ का है एंड मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वैल्यू 1,93,000 कुछ होती है। अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 98% की है, IPO के बाद अराउंड 66% की हो जाएगी। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कुछ 21 रुपये चल रहा है, अराउंड 12% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी जब तक IPO लिस्ट होता है तब तक क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने की। और ग्रे मार्केट प्रीमियम एटलीस्ट 20% से ऊपर हो तो IPO अप्लाई करने का भी एक्चुअली एक मतलब होता है, नहीं तो पैसे ब्लॉक करना इतने दिनों के लिए इट्स नॉट एडवाइजेबल। थैंक यू वेरी मच।